तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कब है दशहरा, इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इसके धार्मिक महत्व के बारे में। तो चलिए बात करते हैं कब है दशहरा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त के बारे में। अब नवरात्रि आने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। 17 अक्टूबर से इस साल नवरात्रि शुरू हो रही है। वहीं विजयादशमी 25 अक्टूबर के दिन मनाई जाएगी। नवरात्रि दशहरा हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है। इस त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। हर साल ये पर्व अश्विन मास शुक्ल पक्ष की दशमी की तिथि के दिन मनाया जाता है। पूरे देश में विजयादशमी के दिन रावण के पुतले को फूंकने की परंपरा है। आइए जानते हैं इस साल दशहरा का त्यौहार किस तारीख को मनाया जाएगा और इसका धार्मिक महत्व क्या है। कब है विजयादशमी, इस साल विजयादशमी पर्व 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस साल मल मास अर्थात अधिक मास लगने की वजह से नवरात्रि और दशहरा पर्व एक महीने से देरी से आ रहे हैं। 17 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है जबकि 24 अक्टूबर को रामनवमी है। इस बार 8 दिनों में ही बीत जाएगी नवरात्रि। इस बार नवरात्रि 8 दिन की है। अष्टमी और नवमी तिथियों को दुर्गा पूजा एक ही दिन होगी। 24 अक्टूबर को सवेरे 6:58 तक अष्टमी है और उसके बाद नवमी लग जाएगी। शुभ मुहूर्त दशमी तिथि प्रारंभ 25 अक्टूबर को सुबह 7:41 से विजय मुहूर्त, दोपहर 1:55 से 2:40 तक अपराह्न पूजा मुहूर्त है 1:11 से 3:24 तक। दशमी तिथि समाप्त होगी 26 अक्टूबर को सुबह 8:59 तक रहेगी। दशहरा के दिन होती है शस्त्र की पूजा। दशहरे के दिन शस्त्र पूजा का विधान है। सनातन परंपरा में शास्त्र और शस्त्र दोनों का बहुत महत्व है। शास्त्र की रक्षा और आत्मरक्षा के लिए धर्म सम्मत तरीके से शस्त्र का प्रयोग होता रहा है। प्राचीन काल में क्षत्रिय शत्रुओं पर विजय की कामना के लिए इसी दिन का चुनाव युद्ध के लिए किया करते थे। पूर्व की भांति आज भी शस्त्र पूजन की परंपरा कायम है और देश की तमाम रियासतें और शासकीय संस्थागारों में आज भी शस्त्र पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ की जाती है। अब हम बात करेंगे इसके धार्मिक महत्व के बारे में। मान्यता के अनुसार दशहरा के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। एक और मान्यता के अनुसार इस दिन माँ दुर्गा ने रावण राक्षस महिषासुर का वध भी किया था। विजय के प्रतीक दशहरे वाले दिन देश भर में अस्त्र शस्त्र की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसका शुभ लाभ अवश्य प्राप्त होता है। तो ये थी आज तक की जानकारी। उम्मीद है आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्णा।